हेलो फ्रेंड्स, यूरोप ट्रेवल की स्कॉटलैंड सीरीज में आपका स्वागत है। एडिनबरा पहुंच चुकी हूं और आज आपको करा रही हूं एडिनबरा के होटल का रूम टूर। स्कॉटलैंड सीरीज में ग्लासगो और एवरनेस का रूम टूर तो आपने देखा ही होगा और आज मैं पहुंच चुकी हूं एडिनबरा, द मोस्ट अवेटेड एडिनबरा। और ये शानदार पलंग है मेरा, और ये रानी साहिबा का सोफा है। शाम हो गई है, पेट भरा हुआ है, बहुत नींद आ रही है और आज का डिनर लाजवाब था, बहुत ही शानदार डिनर था। मतलब मेरे अब तक के 1.5-2 महीने के टूर में सबसे शानदार डिनर आज का रहा, तो इसलिए पेट भर के दबा के खाया है और अब नींद आ रही है। 8 बजे हो गए, 8 बज रहे हैं लेकिन नींद आ रही है, इसलिए अब रानी साहिबा कॉफ़ी पियेंगी और सो जाएंगी। कॉफ़ी पीकर भी सच कह रही हूँ कमाल की नींद आ जाएगी मुझे आज, क्योंकि शीशे में से लाइटें आ रही हैं। शीशा बहुत सुंदर है, ये देखो शीशा कैसा है, बहुत सुंदर है। और ये मेरा शॉवर रूम, मन तो नहीं हो रहा लेकिन हाँ नहाकर सोंगी, थकान उतर जाएगी। तो मेरी यूरोप की वीडियोस अगर आप नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो की मिस ना हो। देखो मैं सारा दिन घूमकर कितनी मेहनत करके थकी टूटी हारी आती हूँ और फिर भी कोशिश करती हूँ कि आपको एक वीडियो पोस्ट कर सकूँ। नहीं कर पा रही तो कोई बात नहीं, लंदन जाके मैं कर दूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। अभी मेरे को बहुत तेज नींद आ रही है, कसम से राम कसम, सो रही हूँ मैं, गुड नाइट। सुबह हो चुकी है एडिनबरा में, ये मेरा दूसरा दिन है और ये है हमारा होटल प्रीमियर इन। एडिनबरा का ये बहुत ही शानदार होटल है। ग्लासगो में भी हम प्रीमियर इन में ही ठहरे थे, अच्छा होटल है, फैसिलिटीज सारी है, बफे सिस्टम है। ये इनका बिल्डिंग है जिसमें रूम्स बने हुए हैं और यहाँ पर बफे का सिस्टम है। ये बफे का रूम है प्रीमियर इन होटल में, हमें यहाँ पर बफे कराया जाएगा। ये देखिए इस तरह से बैठने का इंतज़ाम है और यहाँ से बाहर का व्यू ये नज़र आता है, पूरा हाईवे नज़र आ रहा है। इसी हाईवे से हम अंदर आए थे और इस विंडो से हमें पूरा हाईवे नज़र आ रहा है। हमारी रूम बुकिंग में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, अगर आप अलग से ब्रेकफास्ट लेते हैं तो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से आपको 2500 रुपये पर हेड पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ पर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही तरह का ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट में क्या क्या दे रहे हैं ये सभी कुछ मैं आपको दिखाऊँगी। अभी आप यहाँ का लेआउट देखिए, बफे की टेबल्स लग चुकी हैं। बफे में एक तो ये स्मोक्ड टमेटोज हैं, चिकन हैं, सॉसेजेस हैं और एग्स की भी 2-3 आइटम हैं। एक तो एग्स की भर्जी है और ऑमलेट्स भी हैं। यहाँ पर अच्छी खासी ठंड होती है और सुबह सुबह गर्मा गर्म नाश्ता मिल रहा है। इधर मशरूम्स हैं और ये ऑमलेट्स हैं, ये सेमी कुक ऑमलेट्स टाइप हैं। और इधर ये देखिए ये सोयाबीन है और इसमें एग्स है, ये एग का भर्जी बना रखा है। यहाँ पर आपको फ्रेश फ्रूट्स काट कर दिए जा रहे हैं, जूसेस हैं और फ्रेश फ्रूट्स हैं, देखिए कटे हुए। तरह तरह के दही हैं, 2-3 फ्लेवर की दही यानी कि कर्ड है, बटर है और यहाँ पर आपको बहुत सारे जैम जेलीज इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं ब्रेड पर लगाने के लिए। आप अपने यहाँ ब्रेड को सेक सकते हैं, यहाँ पर टोस्टर लगे हुए हैं, आप टोस्टर में डालिए, ब्रेड को सेकिए, अपने लिए बंस बनाइए। यहाँ पर ये बंस भी हैं, ये देखिए ये बंस हैं और ये ब्रेड्स हैं, आप टोस्टर में टोस्ट कर लीजिए अपनी ब्रेड को, बंस को, और ले लीजिए। तो बफे सिस्टम अच्छा है। अच्छा, जो लोग ये ब्रेड वगैरह नहीं खाते उनके लिए सभी तरह के सीरियल्स हैं, म्यूसली हैं, नट्स हैं, ये इंतज़ाम भी है। ये देखिए म्यूसली वगैरह के पैकेट्स हैं, तो ये इंतज़ाम इन्होंने एक अलग टेबल पे कर रखा है। जूस है, लेमनेड है, ये ब्लैक टी है। कॉफ़ी के लिए इन्होंने मशीन लगा रखी है, उसके अंदर कैपेचिनो आती है, 4 तरह की तो कॉफ़ी आती है इसके अंदर मशीन के अंदर, आप खुद ही ऑपरेट करके अपने लिए बना सकते हैं। दूध आता है, झाग वाला दूध अलग आएगा, प्लेन दूध अलग आएगा, ठंडा दूध अलग आएगा, गर्म दूध अलग आएगा, तो इस तरह इसमें ऑपरेट कर सकते हैं। आप देखिए इतनी तरह का आपको दिख रहा होगा, जूम करके देखिए, ये कैपेचिनो का है, ये अमेरिकानो का है, एक्सप्रेसो का है, ये फ्लैट वाइट है, ये लाते,
ये लाते हैं वाइट अमेरिकानो और डबल एक्सप्रेसो, तो इतनी तरह का इसमें से कॉफ़ी वगैरह निकलता है। ये आइस डिस्पेंसर है, अगर आपको आइस चाहिए तो आप इसमें से आइस निकाल सकते हैं। ये कोक के लिए है, अगर आपको कोक चाहिए, सोडा चाहिए तो इसमें से कोक, सोडा और फैंटा, ये इसमें से कुछ भी आप निकालना चाहें तो इसमें से निकल जाएगा। तो आप इसमें कोक वगैरह ले सकते हैं। और इस तरह की छोटी छोटी कैटल्स रख रखी हैं, अगर आपको कैटल्स में चाहिए कॉफ़ी और चाय का, बहुत ही अच्छा इंतजाम है। ये सैशेज रख रखे हैं, ब्राउन शुगर, वाइट शुगर, चाय, कॉफ़ी, सबके यहाँ पर सैशेज रखे हुए हैं। शुगर है तो अगर आप चीनी भी लेते हैं तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यूरोप में आपको फीकी चाय तो नहीं पीनी पड़ेगी। तो ये सारे इंतज़ाम आपको यहाँ पर मिलते हैं, बहुत ही अच्छा इंतज़ाम है, कस्टमर सारे खुश हैं। मुझे तो अच्छा लगा, बाकी आप देख लीजिएगा। ये देखिए स्टाफ अच्छा है, और ये इनका मैनेजर है यहाँ पर जो ये फूड को देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह का है, अगर आपको लिकर लेना है, बियर, स्कॉच, विस्की, सभी कुछ आपको मिलेगा। इंस्टेंट बियर भी बनाकर देते हैं ये, उसकी भी मशीन से इन्होंने रख रखी है। और इस तरह की मशीन भी इन्होंने रख रखी है, तो आपको इंस्टेंट बियर भी बनाने को मिल जाएगी। बार बहुत अच्छा है इनका, एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। वीडियो देखकर आपको ये महसूस हो रहा है ना कि आप एडिनबरा के इस होटल में खुद ब्रेकफास्ट करने आए हैं? चलिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे हौसला मिलता है। ये तो मैंने आपको अंदर का सारा दिखा दिया, अब मैं आपको बाहर से भी और दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, एडिनबरा स्कॉटलैंड की कैपिटल है और ग्लासगो के बाद यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की पॉपुलेशन करीब 5 लाख है। एडिनबरा कैसल, म्यूजियम, स्कॉटिश नेशनल आर्ट गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट यहाँ की कुछ फेमस जगह हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आते हैं। एडिनबरा अपने रॉयल बोटैनिक गार्डन और रॉयल माइल के लिए भी बहुत फेमस है, यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आता है। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी कमाल की है और वेदर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मई जून के महीने में भी यहाँ पर टेम्परेचर 8 से 10 डिग्री तक रहता है। एडिनबरा यूके के सबसे एक्सपेंसिव जगहों में से एक है। एडिनबरा को वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत सिटी का खिताब हासिल है। ये दुनिया की सबसे रोमांटिक जगहों में से एक माना जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो मिस नहीं हो। अगर आप यूरोप ट्रेवल करने का प्लान बना रहे हैं, स्कॉटलैंड, ग्लासगो, एवरनेस, ब्रूज, हंगरी, पेरिस, फ्रांस या कहीं और घूमना चाहते हैं तो आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आपको पूरी गाइडेंस दूंगी। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में।